अगर आपका लाइट बल्ब ऐसे करने लगे तो तुरंत भाग जाना, नहीं तो आप और बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। और अगर आपके घर के सामने कोई प्लांट हो तो उसे तुरंत हटा देना। आप बोलोगे ये क्या, इसका रीजन जानकर आप ही शॉक हो जाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले 3 गिने तक लाइक कर देना, 1, 2, 3। आपने कर दिया होगा तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, घर में दिखने वाली अगर ये चीज आपने सोच समझ कर नहीं रखी तो आपको एलर्जी से गले मिलाना पड़ सकता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। हाउसहोल्ड प्लांट्स बेशक ये बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन हर प्लांट ऊपर वाले ने एक जैसा नहीं बनाया। कुछ प्लांट्स बहुत पॉइजनस भी होते हैं, लेकिन डर की बात तो ये है कि ये फेमस प्लांट्स जैसे डेसी, डैफोडिल, आयरिस और आईवी बहुत पॉइजनस होते हैं अगर उन्हें खाया जाए तो। ऐसा कहना है नेशनल कैपिटल ऑफ पॉइजन सेंटर का। अगर आप सोच रहे हो हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन आप तो समझदार हो लेकिन बच्चे और पेट्स नहीं, इसलिए अगर इन प्लांट्स को अगर आपने घर में रखे भी तो पेट्स और बच्चों की पहुंच से बहुत दूर ही रखा करो। नेमेटो, लिंट रिमूवर। लिंट रिमूवर वैसे तो बहुत काम की चीज है। लिंट जिन लोगों को नहीं पता, रुइयों को कहते हैं जिनके कपड़ों पर फाइबर के टुकड़े इकट्ठा हो जाते हैं जो मोस्टली स्वेटर पर होते हैं जो देखने में बेकार से लगते हैं, इसलिए उसे हटाने के लिए एक लिंट रिमूवर आता है। इंडिया में तो इसका यूज इतना नहीं होता, लेकिन अमेरिका में उसका काफी यूज है। इसलिए US फायर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अमेरिका में लगभग हर साल 2900 ड्रायर्स होते हैं जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की इंजरीज होते हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि इसे हर साल 5 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 3, नाइफ। ये तो आपको ऑब्वियस लग रहा होगा, नाइफ एक हथियार जैसा है। चाहे आपको अपनी फेवरेट सब्जी काटने वाला नाइफ कितना ही प्यारा हो, चाकू हर एज के लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है क्योंकि ये पलक झपकते ही आपको ऊपर पहुंचा सकता है। ये नोट जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के एक पेपर ने पब्लिश की गई थी। असलियत ये है कि एक बहुत शार्प होते हैं जिसकी वजह से एक गलती से आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट नस सकती है, जिससे आपका बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है। इसलिए बच्चों को इन सब चीजों से बहुत दूर रखना चाहिए। नंबर 4, ये चीज हम अपने गले से लगाकर रखते हैं जो असल में हर साल कई लोगों की मौत की वजह बनती है। इंडिया में तो ये और भी कॉमन होती जा रही है। एक्सटेंशन कॉर्ड्स मोस्टली हर जगह किसी घर में ये होती है जिन्हें अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं जैसे फैन या फिर आयरन। लेकिन कुछ फोन के दीवाने इतने होते हैं जिन्हें चार्जिंग पे भी फोन यूज करना होता है, लेकिन इस चीज के चक्कर में हर साल 50 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। मोस्टली ऐसा वीक और क्रैक्ड वायर्स को यूज करने की वजह से होता है, और एक्स्ट्रा लोड लेने से कॉर्ड में आग लगने का खतरा भी रहता है। नंबर 5, ये चीज डेली आपके मुंह में जाती है, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि ये आपका इतना नुकसान कर सकता है। टूथपेस्ट आपके मुंह में रोज जाता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खतरा हो सकता है, लेकिन कंपनी आपको इसके खतरे का हिंट दे देती है। इसलिए इनके पैक पर लिखा होता है सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प इफ यू इंजेस्ट टूथपेस्ट, क्योंकि इसे ज्यादा क्वांटिटी में निकलने से इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है। और मेडिना प्लस ने एक पेपर में लिखा है कि अगर इसमें फ्लोरिड है तो इसमें आपको हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। नंबर 6, जैसे गर्मी हो रही थी एसी चलाना तो मैंडेटरी है, क्योंकि पंखे और कूलर का तो खुद जूस निकल रहा था, और इतनी गर्मी में एसी किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अगर ये लीक कर रहा है तो समझ जाओ आप बहुत बड़ी दिक्कत में हो। हेल्थ लाइन के एक पेपर के हिसाब से अगर कोई लीकिंग एसी है तो रेफ्रिजरेंट पॉइजनिंग की वजह बन सकता है, जिससे आपके धड़कन रुकना, सीजर्स और आपके लंग्स से ऑक्सीजन कट ऑफ कर देना, इतनी खतरनाक चीजें आपको मुफ्त में मिल सकती है। इसलिए जैसे ही एसी में कोई लीकेज लगी तभी अपने एसी टेक्नीशियन को कॉल करें और एसी बिल्कुल ना चलाएं। नंबर 7, मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का नाम दिमाग में आता ही नहीं जब भी घर में खतरनाक चीजों की बात होती है, लेकिन बस यही बात गलत है क्योंकि मैग्नेट सच में बहुत खतरनाक होती है बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे मैग्नेट्स बच्चों के पेट में जाकर चिपक सकती है जो खाने को डाइजेशन करने में भी दिक्कत देती है, साथ ही में और भी कई अलग अलग तरीके की खतरनाक चीजों को भी जन्म देती है। नंबर 8, मौत बॉल्स। मौत बॉल्स जिसे कपूर की गोलियां में कहते हैं आपको इंडिया के हर घर में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स को दूर रखने में बहुत सही रहता है। साथ ही इसे कपड़ों में भी रखा जाता है जिसे कपड़ों में स्मेल ना आए। लेकिन कुछ मौत बॉल्स में नैप्थिलीन होता है जिसे इंसानों के लिए कार्सिनोजिन की कैटेगरी में डाला गया है, मतलब इसे इंसानों को कैंसर भी हो सकता है। नंबर 9, बाथरूम को क्लीन करना घर के साफ सफाई का एक बहुत मेजर हिस्सा है जिसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका एक बहुत हैवी प्राइस हम डेली पे करते हैं। क्या आप जानते हो हार्पिक लाइजॉल जैसे प्रोडक्ट्स में अमोनिया पाया जाता है जिसे ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाने से ये आपकी जान तक ले सकता है। इसलिए आपको हमेशा बहुत ध्यान से इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए और इन्हें किसी भी चीज से नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा एसिड होता है जिससे रियल में क्लीनिंग होती है। और साफ सफाई करते टाइम एक मास्क जरूर पहन लिया करें, वरना इसके अंदर से निकलने वाले गैसेस भी आपको बहुत बहुत हार्म कर सकती हैं। नंबर 10, आप रोज इस जानलेवा चीज का यूज करते हो और कुछ लोग तो इसे दिन में भी कई बार यूज करते हैं, जो आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाती है। जी हाँ, मैं स्टेयर्स की बात कर रहा हूँ जो हर किसी घर में अवेलेबल है, लेकिन हम भी इस पर आसानी से गिर जाते हैं। स्टेयर्स लेना बहुत हेल्दी है लिफ्ट के कंपैरिजन में, लेकिन इसके कुछ डाउन
कॉमन इफेक्ट्स भी हैं। हम इस पर आसानी से गिर जाते हैं और गिरना इतना कॉमन है कि हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग स्ट्रेस से इंजर्ड होते हैं। इनफैक्ट सच बताऊं तो 12,000 लोग हर साल मर भी जाते हैं। लेकिन पहले तो लगता था कि सिर्फ सीरियल में प्रेग्नेंट लड़की ही सीढ़ियों से गिरती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई भी गिर सकता है। एनीवेज इन इंजरी से बचने के लिए नंगे पैर रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि सब लोग शूज में रहते हैं, लेकिन नंगे पैर होने से ये ज्यादा फिसलते नहीं और रेलिंग को पकड़कर ही उतरा करें, इससे आप टोटली सेफ हो जाओगे। नंबर 11, नेल पॉलिश। मोस्टली आज हर कोई अपनी नेल्स पर अप्लाई करता है, और मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ उनकी भी लड़के दोस्त को भूल जाते हैं। इसे लगाना इतना आसान है, हटाना उतना ही ज्यादा मुश्किल। अब से पहले तो आपको सिर्फ मुश्किल लगता होगा, लेकिन आज जान लो कि ये जानलेवा भी हो सकता है। नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन नाम का एक एसिड होता है, जो अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो बहुत खतरनाक है। नेशनल कैपिटल पॉइजन सेंटर में कहा कि नेल पॉलिश रिमूवर से बहुत मेजर केमिकल बर्न्स इंटरनली हो सकते हैं, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। नंबर 12, लाइट बल्ब्स। कहने को तो बल्ब हमारी लाइफ में रोशनी भर देता है, लेकिन अगर बल्ब सही ना हो तो ये आपकी लाइफ अंधेरे से भी भर सकता है, क्योंकि CFL बल्ब्स के अंदर मर्क्यूरी पाई जाती है, जो इंसान और पेट्स के लिए काफी खतरनाक मानी जाती है। इसलिए जब भी कोई बल्ब फूटे तो पक्का कर लें कि सब लोग रूम से बाहर हो और विंडोज ओपन हो, जिससे कोई भी मर्क्यूरी को इनहेल ना कर पाए। साथ ही जहां भी बल्ब के टुकड़े पड़े हैं उन्हें बहुत ध्यान से हमें क्लीन करना चाहिए, क्योंकि वो भी पैर में लग सकते हैं। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आपको ये पता था कि कैसे बस एक कैरेक्टर के नाम की वजह से इतने मस्त शो को ही बैन करना पड़ा? और ये डोरेमोन का कौन सा एपिसोड था जिसमें आप यकीन नहीं करोगे कि डोरेमोन का किसके साथ कोलैब हुआ था? इस वीडियो को अभी दबाऊं, बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।